रायपुर रानी स्थित निरंकारी भवन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से कल 10 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। निरंकारी भवन के मुखी राम स्वरूप ने बताया कि 10 मई को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुखी राम स्वरूप ने बताया कि जब से विश्व में कोरोना महामारी की दौर शुरू हुआ है, तब से ही संत निरंकारी मिशन संसार भर में विभिन्न राहत भरे कामों में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। निरंकारी मिशन का यही संदेश रहा है कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। इसी भाव के साथ संत निरंकारी मंडल सेवाएं कर रहा है। कल 10 मई रविवार संत निरंकारी सत्संग भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये पहले भी आयोजन होते रहे। ये आयोजन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये लगाए जाते हैं और इसमें इलाका निवासी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और आजकल कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स में रक्त की बड़ी कमी महसूस की जा रही थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और इसमें जो सरकार की एडवाइजरी है कोरोना के मुताबिक, उसको सोशल डिस्टेंसिंग या साफ सफाई को लेकर के ग्लव्स और हर चीज़ का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग का उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ब्लड बैंक चंडीगढ़ PGI से हमारे पास टीम आ रही है और इसका पूर्ण तौर पर हर बात को जो है वो सही तरीके से हम निभा पाएँ। और इसके लिए हमने पूरी साफ़ सफाई का और पूरे भवन को सैनिटाइज हमारी पंचायत की ओर से किया गया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और सभी इलाका निवासियों से विनती करते हैं कि वो कल के इस शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि लोगों की सेवा का एक सौभाग्य जो हमें मिल रहा है वो उसका हम भरपूर लाभ लें।